आंखें नाक सब खुला रखा करो। आसपास बहुत भीड़ है भाई, बहुत धांधली चल रही है, नहीं मालूम क्या चल रहा है। मैं थोड़ी सी बातें बताता हूँ। जैसे खांसी की दवाई, ये काम क्या करती है? खांसी आती क्यों है? छोटी सी बात है, ये हमें पता ही नहीं। आपने कफ सिरप पिया, जो बलगम है ना, वो यहाँ चिपक जाती है, अंदर सूख जाती है, जो आगे बड़ी होकर बीमारी को बाहर लाएगी। पेन किलर ये क्या करती है? पेन होती है ब्लॉकेज की वजह से, लेकिन हम पेन किलर नाम लिखा गया, इसका मतलब क्या है? वो चीज खत्म कर देगी? नहीं, जहां पे ब्लॉकेज है उसका दिमाग के साथ एक संपर्क होता है, जिसे आप दर्द महसूस होते हैं, उस संपर्क को वो काट देती है कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए। दैट इज कॉल्ड अ पेन किलर। बीमारी वही है, खतरा वही है, लेकिन हम उसको बचा रहे हैं। कल हमारा सिर दर्द नहीं हो रहा था, आज हो रहा है। तो हमने ऐसी कौन सी गलती की, उस पर फोकस करो। क्या मैं बहुत देर तक भूखा तो नहीं रहा? क्या मैंने पानी तो नहीं कम पिया? अपनी आदतें चेक करो, अपने रूटीन को चेक करो, और जो यहाँ पे डाला जाता है ना, उसको थोड़ा चेक किया करो। चाहे वो मिथोलॉजी की बात हो, चाहे सेहत की बात हो, कुछ भी हो, जो बताया जा रहा है वो सही है, अगर थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लो, थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर लो, आपको समझ आ जाएगा। मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूँ। नॉनवेज है, कहीं कोई जानवर मर जाए, कुत्ता बिल्ली चूहा कुछ भी, उसमें से बदबू आती है 3 घंटे के बाद, सड़न पैदा होते हैं, कीड़े पैदा होते हैं। ये दुकानों पे नॉनवेज हफ्ता हफ्ता पड़ा रहता है, इनमें बदबू क्यों नहीं आती? इनमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते? हम छोटे से क्वेश्चन नहीं पूछते कभी, बस जाके दुनिया कर रही है, हम भी करने लग गए। लेकिन क्वेश्चन जिस दिन आपने पूछना शुरू कर दिया, यू विल बी द बेस्ट स्टूडेंट। हर कोच को वो बच्चा पसंद होता है, स्टूडेंट पसंद होता है जो सवाल पूछता है। इसलिए भाई क्वेश्चन आपने पूछने हैं, ऐसे कोई चीज मान नहीं लेनी है। यही फेक एडवर्टाइजमेंट आपके रेपिटेशन दिमाग पे की जाती है, उसका असर है कि हमारे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। थैंक यू सो मच पेशेंटली सुनने के लिए, आज के लिए इतना ही। जी हाँ दोस्तों, और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए और अच्छे अच्छे नॉलेज के लिए इस कम्युनिटी में अभी हिस्सा ले, और हेल्थ वेल्थ और माइंड सेट जरूर सेट करें, खनिश नवा पर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।